हाउ इट हैपेंस, ठीक है. एंड अनु ही नाम क्यों लिया, मैंने अनिला क्यों नहीं ले लिया, है ना, सुनीला क्यों नहीं ले लिया, अनु इसलिए ले लिया मैंने नाम कि अभी, ठीक है. सो वी स्टार्ट. तो ये अनु है एंड अनु इज थिंकिंग एंड वंडरिंग दैट शी शुड हैव शी शुड हैव हर ओन बिजनेस. उसके दिमाग में एक अपनी दुकान डालने का मन है एंड शी मस्ट शी इज थिंकिंग दैट वे. फिर क्या हुआ कि अब वो सोच रही है कि पैसे कैसे आएंगे, फ्रॉम वेयर आई विल गेट द फंड्स. तो अनु इज वंडरिंग फ्रॉम वेयर वुड शी अरेंज फंड्स. सो तो वो दैट इज हर बॉदरेशन. शी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस बट देन शी इज वरीड अबाउट द फंड्स, कैसे आएंगे, दुकान खोलने के लिए पैसे कैसे आएंगे. तो देन उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास कुछ सेविंग मेरी पड़ी हुई है तो मैं उसमें से अपना काम चल कर लूंगी, ठीक है. सो अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. अगर ये कोई बिजनेस है, मैंने ऐसे इमेजिनरी एक आपको आइकॉन डाल दिया है, नाउ यू कैन टेक एनी अदर वन, ठीक है. तो ये बिजनेस है और बिजनेस को फंड्स की जरूरत है. तो बिजनेस के पास दो सोर्स से फंड आ सकते हैं. एक ओनर दे सकता है पैसा, इस केस में अनु है, तो अनु कैन गिव फंड्स टू द बिजनेस, ठीक है. एंड द अदर सोर्स ऑफ द फंड इज आउटसाइडर्स. ये आउटसाइडर्स कौन है, ये आउटसाइडर्स के अंदर वो सब लोग हैं अनु के अलावा. अनु के अलावा मतलब कौन कौन, ये अनु के अलावा बैंक हो सकती है जिससे अनु लोन लेना चाह रही है, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, नोन और अननोन पर्सन, बट दैट पर्सन हैज टू बी अदर देन द ओनर. ये अनु के पेरेंट्स हो सकते हैं, अनु के रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना, अनु का हस्बैंड हो सकता है, अनु की, है ना, जो भी हो सकता है, एनीबॉडी कैन बी देयर, बट देन शी इज नॉट अनु और ही इज नॉट अनु, बस ये आपको ध्यान रखना. बट एनीबॉडी अदर देन अनु विल बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर. बिजनेस में सिर्फ तीन लोग हैं, बिजनेस पर्सन एंड आउटसाइडर्स, दैट्स इट, नोबडी एल्स. सारे के सबके एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं आउटसाइडर्स, सिर्फ बिजनेस और बिजनेस पर्सन एक ही. नाउ व्हाट हैपेंस, जो पैसा अनु बिजनेस को देगी उसको हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल. एंड जो पैसा आउटसाइडर्स बिजनेस को देंगे वो लायबिलिटीज कहलाएगी. एंड यू नो व्हाट्स लायबिलिटीज आर. लायबिलिटी हमने वो टर्म में डिस्कस की थी कि बिजनेस को ये पैसा आउटसाइडर्स को देना है वो लायबिलिटी है. होने को तो मैंने आपको उसमें ये भी कहा था शीट के अंदर कि इवन दिस कैपिटल इज द, ये पैसा भी जब बिजनेस को कहीं से पैसा मिल रहा है ना, बिजनेस इज गेटिंग फ्रॉम द ओनर और फ्रॉम द आउटसाइडर, बिजनेस इज सपोज टू गिव इट बैक, चाहे वो ओनर हो चाहे आउटसाइडर हो. बिजनेस का नहीं है पैसा, बिजनेस को दिया है किसी ने, बिजनेस इज गेटिंग इट फ्रॉम समवन. तो व्होमसोएवर बिजनेस इज गेटिंग, बिजनेस इज टू गिव इट बैक, उनको वापस करना है. और मैंने उस शीट के अंदर आपको बताया था कि ये पैसा तो आपको कभी भी वापस करना हो सकता है, जब ये लोग मांगेंगे तो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा. लेकिन ये अनु का पैसा तब दिया जाएगा जब बिजनेस बंद होगा, बिकॉज अनु इज द ओनर. तो अनु ऐसा नहीं कह सकती कि मैं अपना पैसा पहले पैसा निकाल लूं, बाद वालों को बाद में देखेंगे. नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो अनु कैन टेक द मनी एट द एंड, जब बिजनेस एकदम से बंद करेगी वो तब. लेकिन बाहर वालों को उसको पैसा पहले देना पड़ सकता है, बिकॉज दे मे गिव फॉर मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, वन ईयर, टू ईयर, दैट्स इट. वो लाइफ टाइम के लिए नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई इतने टाइम में मुझे पैसा वापस चाहिए. तो दे वुड आस्क फॉर देयर मनी बैक. सो व्हेनेवर दे विल आस्क, बिजनेस हैज टू गिव इट बैक. तो बिजनेस को जो आउटसाइडर से पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज, और जो ओनर्स को ओनर से मिलता है उसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है. एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट टेल हियर, वो आप बीच में बिल्कुल रोक दीजिए मेरे को, पूछिए उस चीज को. नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. अब आपको एक चीज इम्पोर्टेंट है, बिफोर वी स्टार्ट अकाउंटिंग आपको ये समझना जरूरी है कि ये अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं ये हम किसके लिए कर रहे हैं. ये अकाउंटिंग हम बिजनेस की कर रहे हैं कि बिजनेस पर्सन की कर रहे हैं. हम किसकी तरफ से अकाउंटिंग करेंगे, हमको अकाउंटिंग किसकी तरफ से करना है. तो जो हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट अकाउंटिंग इज ऑलवेज फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, Not from the business person. है ना, हम business owner की accounting नहीं कर रहे हैं, हम business की accounting करते हैं. इसीलिए
अकाउंटिंग को बिजनेस अकाउंटिंग भी कहा जाता है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमको बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो जो भी हम बात करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज व्हेन बिजनेस इज ओनली, अभी क्या होता है बिजनेस एकदम से नहीं स्टार्ट होता ना, पहले आप सोचते हो, यू हैव अ ड्रीम टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो व्हेन बिजनेस इज ओनली एन आइडिया, इट इज फिजिकली नॉन एग्जिस्टेंट, अभी उसे दिमाग में एग्जिस्ट कहीं नहीं कर रहा वो दुनिया में, ठीक है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, अभी वो सिर्फ माइंड के अंदर है, और मे बी इन योर हार्ट और इन योर हेड, व्हाटएवर यू से। तो जब हम बिजनेस सिर्फ आइडिया है, इट इज नॉट एग्जिस्टेंट, इसका मतलब बिजनेस के पास अभी की डेट में ना कोई एसेट्स है, ना कोई लाइबिलिटीज है, ना बिजनेस की कोई कैपिटल है, तो एवरीथिंग इज जीरो, दिमाग में बस ऐसा करना है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर। तो बिजनेस तो जीरो है अभी, मतलब दिमाग में होने दो, बट ना एसेट्स है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस इज नोवेयर, बिजनेस अभी कहीं नहीं है, ये आपको ध्यान। Now what happens after this? जब accounting to understand accounting, अब हमें समझना है कि एक business जो exist करना start कर रहा है, अभी अभी वो idea से fruition पाएगा, idea से वो creation होगा, अभी idea है, तो उसमें हमको समझने के लिए हम business को एक खाली can मान लेते हैं, let us assume कि business is just empty can, एक खाली can है ना, ऐसा मान लेते हैं। जबकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बिजनेस के पास अभी कुछ भी नहीं है, बिजनेस सिर्फ दिमाग में है, इवन ये कैन भी बिजनेस की नहीं है, बिजनेस के पास कैन कहां से आई, किसी ने दी होगी ना, लेकिन अब हम क्या करें, हमको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वी हैव अज्यूम कि लेट अस अज्यूम कि बिजनेस एक एम्प्टी कैन है, ऐसा मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बिजनेस के पास अभी कुछ भी नहीं है, बिजनेस को कैन देने वाला भी कोई चाहिए, बस बिजनेस तो अभी सिर्फ दिमाग में, तो बट ठीक है थोड़ी देर के लिए फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल सी कि हाउ ये बिजनेस के पास जो एम्प्टी कैन है, जो बिजनेस एक एम्प्टी कैन की तरह है ना, वो विच इज बिजनेस, वो कैसे, उसको कोई भी चीज कैसे मिलती है ना, उसको कोई भी चीज कैसे मिलती है, ठीक है, ये हमारा, मैंने उसको एक एम्प्टी कैन की तरह बिजनेस को मान लिया, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, इसमें किसी भरनी है मेरे को, तो उसमें कैन को खींच खाच के मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। बिजनेस को जो मिलती है, बिजनेस को दो सोर्सेस से फंड्स मिल सकते हैं, एक है कैपिटल और एक है लायबिलिटीज, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा उसको कैपिटल मिलेगी या लायबिलिटी मिलेगी। तो आपको समझना है, जो ओनर जो पैसा प्रोवाइड कर रहा है वो कैपिटल देगा, वो स्कैन के अंदर बिजनेस को दे रहा है, ओनर दे रहा है बिजनेस को कैपिटल, और आउटसाइडर्स बिजनेस को लायबिलिटीज दे रहे हैं। तो ये कैन में इस ढंग से बिजनेस के पास फंड्स आते हैं, ओनर से आते हैं और आउटसाइडर से आते हैं, ठीक है, दिस इज आवर बिजनेस गेट्स द फंड्स, ठीक है। अब मैं इसको कैन को थोड़ा सा इस हिसाब से दिखा रहा हूं। तो बिजनेस के पास जब लायबिलिटीज या कैपिटल आती है, तो जिस फॉर्म में आती है, अब वो लायबिलिटीज कैपिटल कैसे आएगी, या तो वो कैश के फॉर्म में आएगी, या हो सकता है कुछ उसको फर्नीचर कोई दे दे, या हो सकता है उसको कुछ सामान दे दे, स्टॉक दे दे। तो ये जो कुछ भी आता है इन द फॉर्म ऑफ, जो भी आएगा एज अ लायबिलिटी या एज अ कैपिटल, और वो जिस फॉर्म में आएगा, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, इसको हम एसेट्स कहते हैं, वी कॉल दिस एज एन एसेट्स, ये आपको समझना है। तो व्हाट एवर बिजनेस गेट्स एज कैपिटल और एज लायबिलिटी इज वो विल बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, उसको हम कहेंगे वो एसेट्स है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल जो मिल गई या फिर लायबिलिटीज मिल गई, वो जो मिल रहा है बिजनेस को वो एसेट्स है उसकी, लेकिन वो आया कैसे है, वो कैपिटल की तरह आया या लायबिलिटी की तरह आया, बट उसके लिए वो एसेट्स है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, हम कहेंगे बिजनेस के पास जो कुछ मिला है वो उसके एसेट्स है। ये जो सिस्टम है जिसके अंदर हम दो चीज देख रहे हैं, हम दो चीज क्या देख रहे हैं कि बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को एसेट्स मिली, लेकिन ये दिया किसने, ये ओनर ने दिया तो वो कैपिटल है, अगर ये आउटसाइडर्स ने दिया तो लायबिलिटी है। तो ये जो दो इफेक्ट हो रहा है कि एसेट्स भी आ रही है, कैपिटल भी आ रही है, एसेट्स भी आ रही है, लायबिलिटी भी आ रही है, इसको हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम।
इन अ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम देर आर टू अफेक्ट्स, बिजनेस की बिजनेस ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास एसेट्स आई और कैपिटल भी आई, तो ये दो। आउटसाइडर ने पैसा दिया तो बिजनेस के पास एसेट्स भी आई, लायबिलिटी भी आई, तो ये जो दो दो अफेक्ट है इसको हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। आज की डेट में वर्ल्ड ओवर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ही यूज होता है। अब आप कहेंगे वो डबल एंट्री है तो दूसरा सिस्टम कौन सा है? एक सिंगल एंट्री भी है, बट सिंगल एंट्री को हम साइंटिफिक नहीं मानते, हम इसको ये कई जगह पसंद नहीं किया जाता। आज की डेट में डबल एंट्री को ही साइंटिफिक माना जाता है और डबल एंट्री ही ज्यादातर यूज होती है, तो हम डबल एंट्री ही पढ़ रहे हैं। आपके कई कई बुक का भी लिखा हुआ डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग बुक्स का भी नाम ऐसे होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन बिजनेस ओनली कैपिटल एंड लायबिलिटी डोंट इंक्रीज। अब आपने ओनर ने पैसा दिया तो आप ये नहीं कहोगे कैपिटल बढ़ गई, सिर्फ कैपिटल नहीं बढ़ेगी। या आपने किसी से बिजनेस ने लोन लिया आउटसाइडर से पैसा, तो आप बोलोगे लायबिलिटी बढ़ गई, तो बिजनेस में सिर्फ कैपिटल या सिर्फ लायबिलिटी नहीं बढ़ती, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस के अंदर जब आप कैपिटल बढ़ेगी तो बिजनेस को एसेट्स भी मिलेगी, जब बिजनेस को लायबिलिटी बढ़ेगी तो बिजनेस को एसेट्स भी मिलेगी, तब भी मिलेगी। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि बिजनेस के अंदर दोनों चीजें, लायबिलिटी आ रही है तो एसेट्स भी आएगी, कैपिटल आ रही है तो भी आएगी, ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से कि से अनु डिसाइड्स टू स्टार्ट बिजनेस विद हर ओन फंड्स फर्स्ट। वो कहती है कि भाई बाहर से पैसा लगेगा, मैं अपना पैसा बिजनेस को देती हूँ। शी डिसाइड्स टू गिव हर ओन बिजनेस और पैसा देती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो वो कहती कि मैं अपना अपनी सेविंग का पैसा 50,000 रुपए मैं बिजनेस को देती हूँ, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अनु स्टार्ट्स बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹50,000। ये जो है अब यहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। अभी तक तो सिर्फ हवा में बात हो रही थी, अभी तक तो सिर्फ हम ख्याली मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, अभी तक कोई बिजनेस कुछ हुआ नहीं और कुछ है ना, अनु सब सपना ही देख रही थी। अनु ने कहा अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने कमर कस ली है, यस आई विल स्टार्ट, और जो है ये रहे 50,000 अब मैं देती हूँ अपनी सेविंग के, गुल्लक तोड़ के और निकाला उसने पैसा, उसने कहा मैं देती हूँ। अब यहाँ से बिजनेस की कहानी चालू हो जाएगी, ठीक है, अब बिजनेस बनना चालू हो जाएगा। तो बिजनेस के पास 50,000 आ गए। अभी ये जो बिल्डिंग आप इतना देख रहे हैं ना, दुकान सजी हुई सी, ये हवा हवाई है, अभी है नहीं, अभी तो सिर्फ कैश ही है 50,000 रुपए। ये दुकान तो भी बनेगी है ना बाद में, अभी ये दुकान नहीं एग्जिस्ट कर रही है, एकदम से नहीं बने। अभी तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं 50,000 रुपए दे रही हूँ बिजनेस को, अब वो बिजनेस से खरीदेगी सामान तब बनेगी ना दुकान, अभी वो नहीं है, इट इज जस्ट एन आइडिया। अभी ये अच्छा, इसको भी मुझे ऐसे ऐसे देना चाहिए है ना, हाँ। तो ये अभी दुकान जो है ना, इट इज इन क्लाउड्स, इट इज नॉट इन रियलिटी। अनु कहती है कि मैं आपको बिजनेस को पैसा दे, ठीक है, ये ठीक है। तो दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। अनु ने कहा 50,000 में देना। So, when Anu gives money to the business, from business point of view, जब अनु business को पैसा दे रही, तो business point of view से क्या होगा? Business receives capital. Business के पास capital आती है. तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि business के पास capital आई. तो business has received capital. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बिजनेस रिसीव्स कैपिटल इन कैश। तो इट ऑल मीन द सेम थिंग, सबका एक ही मतलब है कि अल्टीमेटली अनु ने बिजनेस को कैपिटल, अनु कौन ओनर है, इसलिए अनु जो भी पैसा देगी बिजनेस को कैपिटल कहलाएगा, तो अनु इज गिविंग दिस कैपिटल, ठीक है। ठीक है, अब अनु ने कहा कि ठीक है कैश इज रिसीव्ड, जब अनु 50,000 बिजनेस को दे रही है, ठीक है, व्हेन अनु इज गिविंग दिस, तो बिजनेस के पास 50,000 रुपीस कैश में आ रहे हैं। तो जो बिजनेस को जो कैश मिला है 50,000 का, ये 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 बिजनेस की एसेट्स हो जाएगी, दिस इज एसेट्स फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक अनु इज गिविंग कैपिटल एंड बिजनेस इज गेटिंग एसेट्स, दो चीज हो रही है। It is double entry accounting system. There are two effects.
एक बिजनेस के पास कैपिटल आ रही है और कैपिटल किस फॉर्म में आ रही है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, और कैश इज एसेट। सो इस चीज को हम कैसे कहते हैं, हाउ डू वी से दिस, वी से दिस एज, ये हम इसको ऐसे कहेंगे कि बिजनेस हैज गॉट कैश ऑफ 50,000 एंड बिजनेस को ये 50,000 ओनर को वापस भी करने पड़ेंगे कैपिटल को जब बिजनेस बंद होगा। तो इन अकाउंटिंग वी एक्सप्रेस दिस एज, इस सिचुएशन को हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। मतलब आज की डेट में बिजनेस के पास जो 50,000 रुपए हैं तो बिजनेस के पास 50,000 के कैपिटल भी होगी। सीधी सी बात, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास जो एसेट है वो एसेट का पैसा आया कहां से, उस एसेट का पैसा ओनर ने दिया। तो हम ये कहेंगे बिजनेस के पास 50,000 की एसेट्स भी है और बिजनेस को 50,000 की कैपिटल भी देनी है। तो दिस इज हाउ वी से दिस। तो ये दोनों साइड आएगा इसका, दिस इज हाउ। फिर उसके बाद बिजनेस को और पैसे की जरूरत थी, ठीक है, तो अनु ने कहा किससे, अपनी फ्रेंड से कि भाई मुझे लोन दे दो 20,000 का। तो अभी तक बिजनेस के पास सिर्फ 50,000 कैश है ना, उसको 20,000 रुपए की और जरूरत थी। तो उसने अपने फ्रेंड से, जो फ्रेंड है वो तो आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर जो है वो लायबिलिटी, जो वो देगा वो लायबिलिटी देगा। तो अनु की फ्रेंड ने जब 20,000 दिया तो बिजनेस के पास जो है वो 20,000 रुपीज बिजनेस के पास और आ गए। तो अब सिचुएशन क्या बनी कि बिजनेस के पास 70,000 के एसेट्स हो गए। बिजनेस हैज गॉट एसेट्स ऑफ 70,000, ये 70,000 के एसेट्स हो गए। तो अब बिजनेस को जो 20,000 और मिला है कैश में, हम ये कहेंगे कि अनु की फ्रेंड ने दिया और वो बिजनेस को वो 20,000 अनु की फ्रेंड को बाद में वापस करना पड़ेगा। ये 20,000 जो आए ये अनु की फ्रेंड से आए, तो ये लायबिलिटी है। तो बिजनेस विल हैव टू गिव बैक 20,000 टू द फ्रेंड ऑफ अनु एंड 50,000 बैक टू द ओनर। वो कैपिटल है, ओनर को 50,000 उसको देने। तो आज बिजनेस के पास जो कुछ है 70,000, वो उसको किसी ना किसी को वापस देना है, ठीक है, और दैट इज व्हाट बिजनेस हैज टू गिव इट बैक। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वी एक्सप्रेस दिस सिचुएशन। अब हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, हम कहेंगे कि बिजनेस के पास जो एसेट्स है 70,000 की इज इक्वल टू लायबिलिटीज ऑफ 20,000 एंड कैपिटल ऑफ 50,000। तो बिजनेस के पास जो 70,000 है वो 20,000 लायबिलिटी का है और 50,000 ओनर का है। इन दोनों का पैसा बिजनेस के पास आया है, दैट इज 70,000। तो बिजनेस के पास जो कुछ भी है वो उसको किसी ना किसी को चुकाना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। अब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में हमने क्या देखा, इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में को इस रिलेशनशिप को जिसके अंदर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप ऑफ ये बिजनेस। ये पूरा जो है इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये इसका मतलब यही हुआ कि बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो एक खाली डब्बे की तरह है। इवन मैंने आपसे कहा कि वो जो कैन है वो कैन भी उसका कुछ नहीं, कैन भी किसी ने दिया होगा, बिजनेस के पास कैन भी कैसे आएगा, बट हमने मान लिया। वेयर एसेट्स बिजनेस हैज, वट एवर एसेट जो बिजनेस के पास, वो किसी ने दी है बिजनेस को, उसकी अपनी नहीं है। जो बिजनेस के जो वो है ना, तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि बिजनेस जो कुछ पोजेस करता है, बिजनेस के पास जो कुछ है वो या तो ओनर ने दिया या आउटसाइडर ने दिया। और इसका मतलब बिजनेस के पास जो कुछ है वो किसी और का है, तो वट एवर बिजनेस ओन्स इट ऑल्सो ओज, ऐसे कहा जाता है कि जो कुछ बिजनेस के पास ओन कर रहा है वो ओ भी कर रहा है, जो कुछ है उसको वो वापस किसी को कर रहा है। तो बिजनेस के पास अपना तो कुछ भी नहीं होता है। तो इट सिंपली मींस कि बिजनेस के पास जो एसेट्स जितनी है बिजनेस के पास वो उसके क्लेम्स के बराबर है। क्लेम माने मांगने के लिए दरवाजे पे लोग खड़े हैं कि भाई मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है,
तो बिजनेस के पास जो कुछ अपना है वो किसी ना किसी को उसको वापस देना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो अकाउंट इक्वेशन के अंदर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ अदर्स, तो जो बिजनेस की एसेट्स है वो उसकी क्लेम्स के बराबर है, वो उसकी क्लेम्स के बराबर है। तो हम इस चीज को ऐसे भी कहेंगे कि इफ द बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ 70,000, तो ओनर कह रही है कि ये इसके अंदर 70,000 है, 50,000 मेरा है, और जो उसके फ्रेंड कह रही है ये इसके अंदर जो 70,000 में 20,000 मेरा है, तो बिजनेस के पास 50,000 70,000 ही है और 70,000 लोग मांगने के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो यो बिजनेस कह रहा है कि भाई मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है, वॉट एवर जो कुछ है उसको किसी और का ही है, बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कभी भी गलत नहीं होती, इट इज नेवर एवर रॉन्ग, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इक्वल नहीं होगा, दे विल ऑलवेज बी इक्वल। तो आपको ये है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इज द बेसिस, है ना, वो पूरा जो अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है, जो कुछ हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो इस फाउंडेशन पर टिका हुआ है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो अकाउंट्स का जो पूरा महल है वो इसके ऊपर टिका हुआ है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर ये बेसिस नहीं है तो हमारा अकाउंटिंग पूरा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम हिल जाएगा, तो दैट इज व्हाट वी स्टडी, ये इसका बेस है। नाउ अब हम देखते हैं कि बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चेंज होती है, जब बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई पैसा आता है या पैसा जाता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, लेट अस सी दैट, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। टू स्टार्ट विद, पहले तो हमको ये मानना है कि बिजनेस अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इट इज ओनली एन आइडिया, बिजनेस अभी सिर्फ आइडिया है, ओनर के मन में, दिमाग में, दिल में, दिमाग में छाया हुआ कि बिजनेस सेटअप करना, इट इज नो वेयर एग्जिस्टिंग, वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो जब तक बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता तब तक अकाउंटिंग में कुछ करना ही नहीं है, वो तो जब एग्जिस्ट होने लगेगा देन अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अकाउंटिंग वॉन्ट स्टार्ट टिल बिजनेस इज नॉट एग्जिस्टिंग। सो व्हाट वी हैपन इज अकाउंटिंग वर्क्स ओनली, ओके ओके, हाँ ना, अकाउंटिंग वर्क ओनली स्टार्ट्स व्हेन ट्रांजेक्शन हैपन, जब ट्रांजेक्शन होंगे तब जाके उसका काम स्टार्ट होगा। लेट अस से कि ओनर कहती है टू कन्वर्ट द आइडिया इनटू रियलिटी, द बिजनेस पर्सन वो कहती है कि मैं फर्स्ट स्टेप लेती हूँ, मैं 50,000 रुपए, वही वाले ट्रांजेक्शन पे आते हैं कि वो कहती है मैं 50,000 रुपए अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए देने को तैयार, ठीक है। तो द फर्स्ट वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर इन्वेस्टिंग 50,000 बिजनेस इन कैश, इस ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इस ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इस पहले ट्रांजेक्शन से। अब होगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाई है ना, पहले जब वो बिजनेस इज एन एम्प्टी कैन, बिजनेस एक एम्प्टी कैन है, खाली डब्बा है, तो बिजनेस के पास उस समय क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस के पास इट इज जस्ट एन एम्प्टी कैन, बिजनेस के पास तो कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस की एसेट्स भी नील है, बिजनेस की लाइबिलिटीज भी नील है, बिजनेस के पास ना एसेट्स है ना लाइबिलिटी है ना कैपिटल है, कुछ भी नहीं है, तो बिजनेस तो खाली बॉक्स, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या हुआ, ओनर जो है दैट इज द अनु सेज कि आई गिव 50,000 टू द बिजनेस, तो बिजनेस के पास 50,000 रुपीज आ गए, तो अब क्या होगा, द बिजनेस रिसीव 50,000, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम ये कहेंगे कि बिजनेस के पास 50,000 कैश आया, और कैश क्या है, एसेट्स, तो बिजनेस के पास 50,000 कैश आ गया, एसेट्स, और हम ये भी कहेंगे कि बिजनेस के पास 50,000 की कैपिटल आ गई, तो बिजनेस हैज गॉट कैपिटल ऑफ 50,000
and business has got cash of 50,000. This is double entry accounting system. एक जगह कैपिटल भी बढ़ रही है और एसेट्स भी बढ़ रही है. इट इज नॉट वन थिंग ओनली, टू थिंग्स आर इंक्रीजिंग. और ये इक्वालिटी है, इक्वल साइंस. लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज आ रहा है तो राइट हैंड में भी आ रहा है. तो दोनों साइड तभी बराबर होगी जब कोई एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, दूसरा प्लस होना चाहिए. टू थिंग्स चेंज. अगर एक ही जगह हम प्लस करेंगे तो इक्वेशन तो कभी मैच ही नहीं होगी ना. इक्वेशन तो तभी मैच होगी जब एटलीस्ट दोनों साइड चेंज आएगा या दो चीज होगी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो बिजनेस में 50,000 के एसेट्स आ गए, 50,000 के कैपिटल. अब अनु ने 20,000 फ्रेंड से बोरो किए. अब क्या होगा, बिजनेस के पास अभी 50,000 कैश है पहले से, 20,000 बोरो किए. 20,000 बोरो किए तो ये 20,000 रुपीज और आ गए बिजनेस के अंदर. तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे कि बिजनेस इज गेटिंग 20,000 एसेट्स मोर, बिजनेस के पास 20,000 के एसेट्स और आ गए. और जो 20,000 आउटसाइडर है उन फ्रेंड तो उसकी, तो बिजनेस के पास 20,000 की लायबिलिटी आ गई. तो अब जब दो ट्रांजेक्शन ये हो गए हैं तो हम ये चेक कर लेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही कि नहीं हो रही. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, वी विल चेक दिस. हम इसको करने के लिए हम टोटल लगाएंगे एसेट साइड का विच इज 70,000, हम टोटल लगाएंगे लाइबिलिटीज का विच इज इक्वल टू 20,000, और हम टोटल लगाएंगे अपनी कैपिटल का विच इज 50,000. तो अब हमने ये देख लिया कि हमारी इक्वेशन अब टैली हो रही है. तो दिस इज अवर टैली, ये इक्वेशन हमारी टैली हो रही है. ठीक है, इक्वेशन हमारी टैली हो रही है. नेक्स्ट थिंग इज, अब क्या हो गया बिजनेस के पास, अब क्या सिचुएशन है. बिजनेस के पास 70,000 का कैश है जो बिजनेस के एसेट्स है, बिजनेस की 20,000 की लायबिलिटी है और बिजनेस की 50,000 के कैपिटल. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ 70,000, बिजनेस हैज लायबिलिटीज ऑफ 20,000, बिजनेस हैज कैपिटल ऑफ 20,000. एंड वी नो बाय नाउ, अब हमें मालूम है कि दिस इज इक्वल टू दिस. ये हमने चेक करके देख लिया. तो इसका मतलब जाकर ये हमारी एसेट्स का टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर है. इसका मतलब ये जो हमने लिखा है ऊपर, ये हमने सही लिखा है, इसके अंदर मिस्टेक हमने नहीं की. अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वी हैव कमिटेड मिस्टेक समवेयर. तो टू चेक दैट वी डोंट मेक मिस्टेक, आफ्टर फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस एंड देन आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन वी चेक कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट. हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन और उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के बाद. ठीक है, तो अभी क्या सिचुएशन है, बिजनेस हैज गॉट 70,000 कैश व्हिच इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस हैज टू गिव 20,000 टू द लायबिलिटीज पर्सन एंड 50,000 टू द कैपिटल. Any questions, anything you can definitely ask. Now moving further. Suppose अब business को एक business एक furniture shop पे जाता है कि भाई 70,000 cash है, इससे क्या काम आएगा. तो business think कि 5,000 का furniture खरीद के लेके आए. तो they go to the shop and they give 5,000 to the business. And in return, they get some furniture. वो furniture ले आते हैं business. 5,000 रुपए दिए, 5,000 का furniture आ गया. Now what change will happen in the accounting equation? Accounting equation में 5,000 का cash minus हो जाएगा और 5,000 का furniture plus हो जाएगा. 5,000 के cash गया और 5,000 का furniture plus. तो एसेट्स में ही प्लस हो रहा है और एसेट्स में ही माइनस हो रहा है. आप भी देखना, इट इज बीइंग एडेड इन द एसेट्स एंड इट इज सब्ट्रैक्टेड इन द एसेट. एसेट ही प्लस, एसेट ही माइनस. तो एक एसेट माइनस हो गई कैश और दूसरी एसेट 5,000 प्लस हो गई. तो फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो एसेट का टोटल सेम रहेगा. तो बिजनेस गिव्स दैट एंड दैट इज दैट. नाउ व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट इज, business has still total assets of 70,000. Business has liabilities mein change nahi hai, jo loan liya tha 20,000 ka
वो तो अभी भी है, वो वापस थोड़ी किया है। और जो ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है 50,000 की, वो अभी भी एज इट इज है। तो ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का पर्पज ही ये होता है कि आपको समझाया जाए कि कहाँ चेंज आ रहा है। अगर आपको चेंज समझ में आ जाएगा तो आपको सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आपके पास में ये हो गया कि बिजनेस के पास 5,000 कैश गया और बिजनेस के पास 5,000 का फर्नीचर आ गया। व्हाट नेक्स्ट? अभी सिचुएशन ये है कि बिजनेस के पास 70,000 जैसे मैंने आपसे कहा वो चीज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इज बिजनेस ने कहा कि भाई कंप्यूटर खरीदना है, 55,000 का एक कंप्यूटर पसंद आया, वो कंप्यूटर शॉप पे गए और ये क्रेडिट में खरीदा है, कंप्यूटर का पेमेंट अभी नहीं किया, कंप्यूटर खरीद लिया। अब इसके बदले बिजनेस ने क्या दिया? पहले फर्नीचर के बदले में तो कैश दिया था, अब क्या दिया? बिजनेस ने कहा माय ऑब्लिगेशन टू पे, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं आपको चुकाऊंगा। तो बिजनेस इज एज्यूमिंग लायबिलिटी। बिजनेस ने फर्नीचर कंप्यूटर खरीदा है क्रेडिट में, उसके बदले बिजनेस सामने वाले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पे करने की, विच इज टर्म्ड एज business is assuming the liability to pay। इस चीज को हम कैसे दिखाते हैं accounting question में? इस चीज को हम ये दिखाएंगे कि business के assets में 55,000 plus हो जाएगा। अब business की liability में भी 55,000 plus हो जाएगा, obligation to pay। Rest of the thing will remain same। तो अब business के पास 1,25,000 के assets हो गए। Business के पास अब 75,000 की liabilities हो गई। And business has got now the capital of rupees 50,000 as it is. Capital में कोई change नहीं है। Business ने जब computer खरीदा credit से, owner ने तो अभी जो 50,000 रुपए अनु ने लगाए थे, वो तो अनु के 50,000 रुपए लगे ही हुए हैं। उससे कोई मतलब नहीं। Friends ने जो 20,000 का loan दिया था, वो तो loan as it is है। There is no change. But then now business has to pay 75,000 in the form of liability. जिसके अंदर 20,000 तो अनु की फ्रेंड को देना है और 50,000 कंप्यूटर की शॉप को देना है। तो बिजनेस की लायबिलिटी इज नाउ 75,000 एंड जो बिजनेस के पास अब एसेट्स है वो 1,25,000 के हो गए। अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि बिजनेस के पास 1,25,000 के एसेट्स है, विच इंक्लूड्स कैश ऑफ 65,000, फर्नीचर ऑफ 5,000 एंड कंप्यूटर ऑफ 55,000। टोटल इज 1,25,000 एंड ये जो 1,25,000 की एसेट्स हैं, इसमें से 75,000 आउटसाइडर को देना है और 50,000 ओनर को देना है, और इन दोनों का उतना ही जितना बिजनेस को वापस करना है उतना ही बिजनेस के पास एसेट्स है। तो व्हाट यू से, व्हाट एवर बिजनेस पोजेसेस इज इक्वल टू द क्लेम। जो लोग मांगने के लिए खड़े हैं है ना, दे आर क्लेमिंग कि मुझे इतना पैसा दो इतना पैसा दो, वो उसके बराबर है। देयर इज नो डिफरेंस। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ये जो 1,25,000 इसमें कैश फर्नीचर कंप्यूटर तीनों आ गया। अब हम दूसरा चलते हैं। अनु कहती है कि भाई मेरे को अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए। आई नीड सम मनी फॉर माई पर्सनल एक्सपेंसेस, दैट इज व्हाट अनु इज सेइंग। ठीक है, शी नीड सम मनी फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ऐसे केस में क्या होगा? अनु बिजनेस से, इसको हम कहते हैं ओनर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज रुपीज 2,000, ओनर ने निकाले बिजनेस से। इस केस में अनु 2,000 रुपए बिजनेस से निकाल रही है, शी इज टेकिंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। व्हाट वुड हैपन इन द अकाउंटिंग क्वेश्चन? कैश बिजनेस में से 2,000 कम हो जाएगा एंड 2,000 विल आल्सो बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैश भी कम, कैपिटल भी कम। द सिचुएशन वुड बी बिजनेस विल बी लेफ्ट विद एसेट्स ऑफ 1,23,000। अभी बिजनेस की लायबिलिटीज में चेंज नहीं है, लायबिलिटीज विल स्टिल रिमेन 75। लायबिलिटीज में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ इस ट्रांजैक्शन से, ओनर के निकालने से लायबिलिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। बट कैपिटल वुड रिड्यूस टू 48,000, बिजनेस के कैपिटल कम होकर 48 हो जाएगा। सो दिस इज द सिचुएशन।
ये हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन बनेगी। तो दिस वे हाउ थिंग्स चेंज, ऐसे चेंजेस आते हैं। अब एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, यहां तक किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन तो पूछिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम देखते हैं यहां पे अनु को एक प्रॉब्लम आ रही है। अनु को प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास एसेट्स दे रखी है 1,23,000 की, इसमें कैश भी है, फर्नीचर भी है, कंप्यूटर भी है। तो अब हम थोड़ा सा अपने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करते हैं। उन्होंने कहा कि उसको ये मालूम ही नहीं पड़ रहा, आई डोंट रिमेम्बर, एंड वो कंफ्यूज हो रही है कि भाई मेरे पास जो एसेट्स है उसमें कैश कितना है, फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर कितना है, मुझे कैसे मालूम पड़े। वो तो आप बता रहे हो टोटल एसेट्स 1,23,000 की है, तो ये तो मालूम ही नहीं पड़ रहा अलग अलग कितना कितना है। तो इसके लिए हम इस अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर जो हमारा प्रेजेंटेशन है, बेसिक तो इक्वेशन ही है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, इसके अंदर हम थोड़े से अपने क्वेश्चन को करने के, ट्रांजेक्शन को दिखाने के तरीके में थोड़ा सा चेंज करेंगे। विल चेंज द वे हाउ वी शो द ट्रांजेक्शंस। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है 1,23,000 की, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अलग अलग करना है। तो यहाँ पे हम एक चेंज ये करते हैं कि यहाँ पर ये एक स्पेयर रो, ऊपर एक खाली रो बनाएंगे एक्स्ट्रा, एक ये चेंज करेंगे। दूसरा चेंज हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो एसेट्स के कॉलम है इसको हम ब्रेक कर देंगे अलग अलग हिस्सों में कर देंगे। तो हाउ डू वी डू दिस, इसके लिए इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन तरह के एसेट्स है, ठीक है, इस क्वेश्चन में तीन तरह के एसेट्स है। तो मैंने ये तीन कॉलम बना लिए एसेट्स के, ये थ्री कॉलम। ये मैं आपको बताऊंगा आपको नोटबुक में कैसे करना है क्वेश्चंस, आपको अकाउंटिंग क्वेश्चंस के क्वेश्चंस करने होंगे, आई विल टेल यू दैट। सो वी मेक थ्री कॉलम फॉर द एसेट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने तीन एसेट्स लिए इसलिए। तो अब ये तीन कॉलम हमारे एसेट्स के हो गए। वी ऑल्सो एड वन मोर कॉलम, ये एसेट्स के कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, एक और कॉलम हम सीरियल नंबर का बना लेते हैं। तो हमारा जो टोटल फॉर्मेट है अकाउंटिंग क्वेश्चन का वो ऐसे होता है, एसेट्स मेन कॉलम है और एसेट्स हर एसेट को अलग अलग शो करते हैं, एंड देन वी हैव वन कॉलम फॉर लायबिलिटीज। हम लायबिलिटीज को भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अनु के फ्रेंड का लोन अलग हो गया और कंप्यूटर शॉप का लोन अलग हो गया, इवन वी कैन डू दैट, वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हमें लायबिलिटीज को भी मैं ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ, अनु फ्रेंड और यहाँ पे कंप्यूटर शॉप। तो जैसे एसेट्स में अलग अलग बनाया वैसे हमें लायबिलिटी में भी कर सकते हैं, एंड देन वी हैव वन कैपिटल। नेक्स्ट इज हाउ वी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, हम इसको कैसे लिखेंगे। सपोज ये ट्रांजेक्शन है हमारे, अनु स्टार्ट्स बिजनेस। अब वही ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि जब हम अलग अलग बना रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे। अनु स्टार्ट्स बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश, सीरियल नंबर वन, क्योंकि ट्रांजेक्शन वन है, कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, बोरोड ₹20,000 फ्रॉम फ्रेंड, तो हम उसको कैश में प्लस करेंगे और लायबिलिटीज में प्लस करेंगे। अब ये दो ट्रांजेक्शन हो गए, इसके मतलब हमें अब नई इक्वेशन निकालनी है, न्यू इक्वेशन बोलते हैं या अफेक्ट बोलते हैं हम इसको, कुछ भी सम पीपल कॉल इट एज इफेक्ट। ये एनी का मतलब होता है न्यू इक्वेशन, अब हमारी नई इक्वेशन बन गई, मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बदल गई, या कुछ लोग इसको इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट यू कॉल इट, बट अल्टीमेटली यहाँ पे पर्पस इज दैट यू चेक द थिंग, आप उसको चेक करें। आप क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, वो आपको चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, दो ट्रांजेक्शन बाद इसका टोटल लगाएंगे, दिस टोटल इज कमिंग टू 70 which is equal to 20,000, which is plus 50,000. So my left hand side is equal to right hand side. It's fine. Furniture khareeda humne 5,000 rupees ka. We have bought furniture of 5,000. So cash mein khareeda humne, cash diya 5,000 cash mein minus and 5,000 furniture plus. पहले हमने एक ही एसेट का कॉलम बना रखा था तो उसी में हम प्लस माइनस, अब हमने अलग अलग कर दिया, तो जो एसेट माइनस हो रही है उसको माइनस करेंगे, जो प्लस हो रही है उसको प्लस करेंगे। तो कैश माइनस हो रहा है, फर्नीचर प्लस हो रहा है, तो व्हाट इज द इफेक्ट नाउ, 65,000 कैश,
5000 फर्नीचर कंप्यूटर तो है नहीं इज इक्वल टू 20,000 लायबिलिटीज प्लस 5000 ऑफ कैपिटल. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट, बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, हमने कंप्यूटर क्रेडिट में खरीदा है, उधार में पैसा नहीं दिया, तो इसको हम कैसे शो करेंगे? विल शो इट हियर लाइक दिस, 55 का कंप्यूटर प्लस एंड 55 की लायबिलिटीज प्लस. सो द टोटल इज 65 ऑफ कैश, 5000 ऑफ फर्नीचर, 55,000 ऑफ कंप्यूटर एंड देन 75,000 ऑफ लायबिलिटीज एंड नाउ 50,000 ऑफ कैपिटल. तो अब क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन के बाद में, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, अवर कैश इज नॉट चेंजिंग, तो सेम कैश इज स्टिल देयर. अवर फर्नीचर इज नॉट चेंजिंग, तो सेम फर्नीचर इज स्टिल देयर, बट वी हैव गॉट अ न्यू एसेट दैट इज कंप्यूटर. तो कंप्यूटर इज देयर, तो कंप्यूटर को हम उसके अंदर दिखा देंगे. न्यू एसेट इज देयर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को हम शो करेंगे. एंड देन अवर लाइबिलिटीज आर सेम, लाइबिलिटीज ऑल्सो इंक्रीज, पहले 20 थी, इस ट्रांजेक्शन में 55 से बढ़ गई, नाउ द टोटल लाइबिलिटी इज 75 एंड कैपिटल इज स्टिल द सेम. कैपिटल में कोई चेंज नहीं, पहले 50 थी अभी भी 50. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओनर ने विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के काम के लिए, बिजनेस के नहीं अपने पर्सनल यूज के लिए 2000 बिजनेस से विथड्रॉ किए. तो इसमें क्या होगा, we'll subtract 2000 in cash and subtract 2000 in capital. So new equation would be 63,000 of cash, 5000 of furniture, 55,000 of computer, which is equal to 75,000 of liabilities and 48,000 of capital. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये last transaction है, suppose ये सब कुछ हो गया. After that, after the last transaction, what we do is we check whether the LHS is equal to RHS or not. In the same way, we add up the left hand side, which is total coming to 1,23,000, which is right hand side, which is again coming to 1,23,000. That means my equation is correct. I have not made a mistake. Iska sirf itna matlab hota hai. Theek hai. This is how we have to proceed. Aise hame transaction ko dikhane hote hain. ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव राइट नाउ यू नीड टू टेल मी. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने कैसे, हाउ यू हैव टू डू इट. तो आप उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, इस नोटबुक के अंदर आप कॉलम्स बनाएंगे. कॉलम बनाना अब आपको सीखना पड़ेगा. आप जब अकाउंट्स करेंगे, यू नीड टू हैव अ फुट रूलर. आपके पास एक स्केल होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए और पेन. अभी नहीं है स्केल, स्केल तो आप कोई भी घर की चीज उठा के लाइन में खींच लेना है ना, जैसे काम चलाना पड़ता है बिजनेस के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए काम कैसे चलाया जाता है, तो वो आपको निकालना. तो आप पहले एक ऊपर ऐसे लाइन खींचे आपने, ठीक है, देन आप क्या करें, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप एक छोटा सा कॉलम बनाए सीरियल नंबर का. सीरियल नंबर कितना है, दो डिजिट होगा. मैं 100-200 ट्रांजेक्शन थोड़ी दूंगा, 2, 4, 5, 10, बस इतना हो कि यहाँ पे आप दो डिजिट लिख सके. ज्यादा बड़ा कॉलम मत बनाए, उतनी बड़ी बनाए जितनी जगह लिख सके. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 60, 90, बस इतना लिखना है आपको सीरियल नंबर. और क्या लिखना है, या न्यू इक्वेशन लिखना है, एनी लिखना है, बस इतना लिखना है. तो यू डोंट नीड अ बिग कॉलम, तो उतना ही बनाइए जितना जरूरत है. उसके बाद आप क्या कीजिए, एक कॉलम राइट हैंड साइड में बनाइए कैपिटल का. कैपिटल का कितना, अभी कितना बड़ा कॉलम होना चाहिए भाई, इतना बड़ा ही बनाइए कि आप 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000 लिख ले. अभी आपके आपको बिलियन ट्रिलियन तो लिखना नहीं है कि 25 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, उतने जीरो तो लगाने नहीं है. आपको ज्यादा ज्यादा अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,00,000, 5,00,000, तो बस इतना अमाउंट चाहिए कि आप ये, ठीक है, 7 डिजिट का फिगर लिख सके. बस you don't need a very big column for capital also, but jitna minimum chahiye utna column banaiye, na to jagah ki problem aayegi aapko. Then you suppose ek liability ka hum ek hi column bana rahe hain, to jitna aapne capital ka banaya utna liability ka bana lijiye, that's it, ye ho gaya. ab
ये जो बीच की जगह है ये आप सारी एसेट्स के लिए छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि या तो आप क्वेश्चन पढ़ के निकालिए कि कितनी एसेट्स हैं, जैसे मैंने अभी किया, मैंने कहा तीन एसेट है, तीन नहीं तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कितनी एसेट्स है। तो ये आपने कॉलम बनाया। अब आप क्या करें, यहां लिखिए सीरियल नंबर, यहां लिखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस करंट। अब सपोज पहला ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड मैं यही लिखता जाऊंगा और यही बताते जाऊंगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 20,000। सपोज ऐसा, तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन में आपको यही चीज ध्यान रखनी कि कहां प्लस होगा कहां। एक तो कैश बढ़ाना है और कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन नंबर वन। तो यहां पे आप बनाइए कैश का कॉलम, कैश का कॉलम बनाने के लिए आपने कैश का कॉलम ही बना दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन में एसेट्स आती जाएगी बनाते जाएंगे, और यहाँ पे आपने 20,000 प्लस लिख दिया और आपने 20,000 कैपिटल, ठीक। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, bought furniture for rupees 3,000 का फर्नीचर। अब यहाँ पे फर्नीचर में प्लस करना पड़ेगा और कैश में माइनस करना पड़ेगा, फर्नीचर दिया तो कैश दिया, तो कैश का कॉलम तो है हमारे पास में, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब मुझे एक फर्नीचर का कॉलम और बनाना पड़ेगा, तो what I do is I make a separate column for furniture and then 3,000 मैंने फर्नीचर में प्लस कर दिया। Now I have written two transactions, दो transactions हो गए मेरे। I have to check LHS is equal to RHS. I draw a line here. ये line important, ये line draw. When I draw the line, I write the new equation. 20 minus 3, 17. 3. तो 17 plus 3, 20. And capital is 20. तो LHS is equal to RHS. Now the next transaction. Opened bank account, bank mein paisa business of the business by depositing cash rupees 15,000. हमने 15,000 रुपए कैश जमा करके बैंक में अकाउंट खोल दिया। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ओनर 15,000 रुपए और ला रहा है, नो, बिजनेस के पास कैश है 17,000 का। तो बिजनेस अब यहाँ क्या होगा, बैंक में प्लस करेंगे, बैंक भी एसेट होती है, और कैश में माइनस करेंगे। तो यू विल ओपन अ बैंक कॉलम हियर, अनदर कॉलम एंड देन आई ड्रॉ द लाइन, ये बैंक का भी खुल गया। नाउ द ट्रांजेक्शन नंबर थ्री, कैश माइनस 15,000 एंड बैंक में प्लस। ये ध्यान रखना है कि एक ही लाइन में आना चाहिए, बस उस लाइन में और कुछ नहीं आएगा। जो ट्रांजेक्शन का जो इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन है तो वही आएगी, ये जो ट्रांजेक्शन उस लाइन के अंदर और कुछ नहीं आएगा। तो आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग एल्स इन दैट लाइन, मैंने सिर्फ वही वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा इस लाइन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उस लाइन में। नाउ आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन अगेन आई हैव टू चेक लाइन अगेन ड्रॉ। तो यहां पे फिर अब मेरी न्यू इक्वेशन आएगी, 17 माइनस 15, अब आई हैव लेफ्ट विद ओनली 2,000 कैश। ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो माइनस कर रहा हूं ना 15, ये 17 से करना है, यहां लाइन है 17 के ऊपर, तो मुझे लाइन के ऊपर नहीं जाना, मुझे बस लाइन के अंदर अंदर करना है काम। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रॉइंग लाइन इन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में लाइन का मतलब एक लक्ष्मण रेखा है, आप उसको आप क्रॉस नहीं करोगे, यू वॉन्ट क्रॉस दिस लक्ष्मण रेखा। अब मुझे ये 303 को ऐड नहीं करूंगा, मैं इस लाइन के ऊपर जाने ही नहीं है, इस यहाँ गया, मुझे बस इस लाइन और इस लाइन के बीच में देखना है। तो ये 3 है, तो ये 3 एज इट इज, देयर इज नो चेंज, ये पहले भी था अभी भी है, कोई चेंज 15 है इसके बीच में, तो और कोई चेंज नहीं है, तो 15 एज इट इज, मुझे इसके ऊपर नहीं जाना।
दिस इज देयर आई नीड नॉट टू गो अबाउट दिस इसके नीचे ये 20 ये 20 ये 20 है और कोई चेंज नहीं है तो सेम दिस इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना है 20 और राइट हैंड साइड 20 परफेक्ट फाइन गुड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोरोड रुपीज 30,000 from bank okay from a friend and deposited the amount in bank loan liya aur wo paisa bank mein jama kar diya cash hai nahi hamare paas direct wo paisa bank mein chala gaya theek hai to bank plus and liabilities plus loan liya liability plus तो फोर्थ ट्रांजेक्शन बैंक में 30,000 प्लस होगा और इसी लाइन के अंदर लायबिलिटी में 30,000 प्लस होगा और इस लाइन में कुछ और नहीं लिखना तो अब मैं क्या करूंगा आई विल अगेन चेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहां पे नेट इफेक्ट 2,000 कैश एज इट इज देयर इज नो चेंज इन कैश इन दिस ट्रांजेक्शन No change in furniture in this transaction. Bank 15 plus 30. So bank is 45. No change anywhere else. 30,000 is in liability. And 20,000 is in capital. So right hand side is 50. Left hand side is 45, 50. Perfect. The left hand side and right hand side is equal. One more transaction. क्या करता हूं अच्छा ठीक है ओनर विथड्रू कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज क्या क्या निकाला उसने उसने कैश लिया 500 रुपए का बैंक से लिया 2,000 रुपीस और वो एक फर्नीचर भी ले गया अपने घर फर्नीचर ऑफ रुपीस 1,000 का फर्नीचर तो ओनर ने बिजनेस से कैश भी निकाला बैंक से भी निकाला और फर्नीचर भी निकाला तो अब क्या होगा कैश माइनस ट्रांजेक्शन नंबर 5 कैश कितना माइनस 500 चला गया बिजनेस बैंक से 2,000 रुपए निकाले तो बैंक में 2,000 रुपीज माइनस 1,000 का फर्नीचर भी ले गया आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के बाहर तो फर्नीचर माइनस कितना हो गया 3,500 तो ये 3,500 हम कैपिटल से भी माइनस करेंगे सो हियर अब फाइनल इक्वेशन हो गई अब सपोज ये लास्ट है ट्रांजेक्शन तो ये 1500 ये हो गया कैश 2000 का फर्नीचर है 2500 का बैंक में पैसा है 30,000 इज स्टिल द लायबिलिटी लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं नाउ कैपिटल इज 20,000 माइनस 13,500 16,500 Now here after this यहीं पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इट इज क्लोज वी हैव टू सी दैट दिस इज इक्वल टू दिस तो ये कितना आ गया 46,500 व्हाट इज दिस अरे ये 4500 है 45,000 है देखिए गलती कैसे हुई 45 मैंने इसको 4500 मान लिया 45,000 में 2,000 माइनस करूंगा तो ये 43,000 आएगा 43, 45, 46,500 तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन आई वुड लाइक टू नो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन किसी को कोई हाँ नो सर नो
तो अभी मैं आपको थोड़ी देर से इसमें के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा सैंपल के, अभी सिर्फ दो तीन भेजूंगा, ज्यादा नहीं भेजूंगा आपको। वो अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसे अपनी नोटबुक्स में लाइन खींच के बहुत साफ सुथरा कोशिश करनी है। अकाउंट्स में आप आदत डालिए टू द नीट एंड क्लीन वर्क फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो आप इसको करेंगे और मुझे भेजिएगा। मैं दो ही क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आप कल तक ही मुझे भेजिए, सो दैट कल हम और डिस्कस करें इसके आगे। ठीक है, आई विल सेंड यू टू क्वेश्चंस व्हिच आई वुड नीड बाय टुमारो बिफोर द क्लास। बिफोर द क्लास नहीं, 7 बजे, 6 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, बिफोर 4 o'clock। ठीक है, आई विल सेंड यू टू क्वेश्चंस। इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी राइट अवे।